नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी कैबिनेट में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ दी है। अब वो सपा में शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को स्वामी प्रसाद के बीजेपी छोड़ने के साथ ही अब तक करीब 10 बीजेपी विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर हमला जारी है। इस बीच आज एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। स्वामी प्रसाद ने बीजेपी आरएसएस को नाग बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। मौर्य का आरोप है कि बीजेपी पिछड़े वर्गों की समस्याओं को लेकर बहरी है और पार्टी ने मुझे मंत्री बनाकर कोई उपकार नहीं किया। मौर्य ने तर्क दिया है कि बीजेपी को 2017 में जीत के साथ अपने वनवास के 14 साल खत्म होने के लिए उनका आभारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कहां आने वाला हूं और कहां जाने वाला हूं, ये सब चीज़ें 14 जनवरी को स्पष्ट हो जाएंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव शुरू होने में 30 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में मौर्य का जाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि मौर्य के खिलाफ बुधवार को 7 साल पुराने मामले में अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ है। अरेस्ट वारंट जारी होने के सवाल पर स्वामी प्रसाद ने कहा है कि वारंट आने दीजिए, मैं न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता हूँ, जो भी प्रक्रिया होगी उसका सम्मान करूँगा, मैं भी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।